इंडिया अलायंस की बैठक में फैसला, दो नए पद बनाए गए, खड़गे गठबंधन के चेयरपर्सन बनेंगे। गठबंधन में संयोजक पद को लेकर चर्चा जारी, ममता बनर्जी सहमत हुई तो नीतीश कुमार बन सकते हैं संयोजक। आज की बैठक में कांग्रेस ने फॉर्मूला दिया, ओबीसी क्लास से किसी को बनाया जाए गठबंधन का संयोजक। संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव के नाम का प्रस्ताव दिया, सूत्रों से खबर। बैठक में नीतीश कुमार ने सुझाव दिया, जमीनी स्तर पर गठबंधन आगे बढ़े। बैठक से ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव दूर रहे। आज की बैठक में कुल 10 पार्टियां शामिल हुई। इंडिया गठबंधन में उद्धव का कोई सम्मान नहीं, बैठक में भी नहीं बुलाया गया मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार का मामला। सम्राट चौधरी का जेडीयू पर तंज, नीतीश को पीएम फेस के रूप में देखना चाहते हैं बिहार के लोग, इंडिया गठबंधन ने निराश किया। नीतीश को राजा का सपना दिखाकर सेनापति बना रहे हैं, लालू यादव जवाब दें, जीतन राम मांझी ने चुटकी ली। परिवार और प्रॉपर्टी बचाओ एजेंडे पर बना है इंडिया गठबंधन, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का इंडिया अलायंस पर हमला, कहा सिर्फ मीटिंग करते हैं काम नहीं, जल्द टूट जाएगा गठबंधन। इंडिया गठबंधन पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा यह घमंडिया गठबंधन है, इन्हें देश की चिंता नहीं। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, सूत्रों से खबर। दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 4-3 का होगा, पंजाब में दोनों दल अलग अलग लड़ेंगे, सूत्रों से खबर। गुजरात में कांग्रेस एक सीट आम आदमी पार्टी को देगी, बैठक में गोवा और हरियाणा पर भी बात की। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और जेएमएम नेताओं की बैठक, दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर चंपाई सोरेन और सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल हुए। मीटिंग के बाद बोले जेएमएम नेता चंपाई सोरेन, अच्छे माहौल में बात हुई, जल्द होगा आखिरी फैसला। मणिपुर के थौबल से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कल सुबह 11 बजे इम्फाल पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, ये पार्टी की वैचारिक यात्रा है, जयराम रमेश का बयान। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, बैठक में शामिल नहीं थी वसुंधरा राजे। असम के कछार हिल्स परिषद के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 30 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी 25 सीटों पर जीती। 61% युवा लोग सबसे बड़ी ताकत, विकसित भारत बनाने में निभा सकते हैं अहम भूमिका, नवो नव भारत अभियान कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदल दिया, इसलिए विपक्ष को पता नहीं कौन से मुद्दे उठाएं। पंजाब बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी पार्षद गुरचरणजीत कालरा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। पीएम मोदी का बिहार दौरा रद्द, बेतिया से चुनाव अभियान के आगाज का प्रोग्राम था। नागपुर में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दुनिया का कोई भी मसला बिना भारत के सलाह के नहीं होता है, भारत एक स्वतंत्र देश है, अपने हितों के मैनेजमेंट के लिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं, विदेश मंत्री का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के मजदूरों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस को मंजूरी दी, 10 लाख का बीमा मिलेगा। चेन्नई तट पर इंडिया और जापान कोस्ट गार्ड की सहयोग काइजिन एक्सरसाइज, इंडिया के 9 जहाज और 6 विमान शामिल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गरजे आर्मी के टैंक, आर्मी डे से पहले के रेंज में हुआ अभ्यास। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भव्य प्रोग्राम, बड़ी छावनी में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल गेस्ट को मिलेगा स्पेशल गिफ्ट, नींव की खुदाई के वक्त निकली मिट्टी दी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट और सरकारी अधिकारियों के बीच बैठक, सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के डीजीपी विजय कुमार बोले अयोध्या में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। पुरी के शंकराचार्य, स्वामी निश्चयानंद सरस्वती की दो टूक, राम मंदिर को लेकर शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बोले राम राज्य अब आ रहा है। राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोगों की बनाई जा रही है तस्वीरें, 22 जनवरी को मंदिर प्रांगण में दिखाई जाएंगी। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार का बयान, प्राण प्रतिष्ठा के दिन 100 चार्टर्ड प्लेन पहुंचेंगे। लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया, हनुमान मंदिर में सफाई की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता मिला, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए साउथ के सुपरस्टार रामचरण और उनकी पत्नी को निमंत्रण, आरएसएस के सोनी लांबेकर ने आमंत्रित किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता, तस्वीरें सामने आई। रावण कई गुणों में था श्रेष्ठ, जीवन भर मर्यादा का पालन करने के लिए करते हैं राम की पूजा, राजनाथ सिंह का बयान। गिरिराज सिंह का सोनिया खड़गे पर हमला, सनातन विरोधी है कांग्रेस, ट्रस्ट के निमंत्रण के बावजूद शामिल नहीं हो रहे। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बयान, कांग्रेस को राम नहीं बाबर प्यारा है, वो पापी थे पापी रहेंगे। मंदिर के विरोध में नहीं है विपक्ष, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी कर रही है राजनीति, शरद पवार का बयान। बीजेपी नेताओं पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा राम मंदिर निर्माण के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, अब क्रेडिट ले रहे हैं। फडणवीस के बयान पर उद्धव का पलटवार, राम मंदिर के लिए शिवसेना का योगदान, मुकदमे में दर्ज है शिवसैनिकों के नाम। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बना दिया है आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम। गाजे बाजे के साथ रामलला के दर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, नाना पटोले का बयान। असदुद्दीन ओवैसी का उद्धव ठाकरे पर हमला, आपराधिक कृत्य को राष्ट्रीय गौरव बताना गलत, 6 दिसंबर लोकतंत्र के लिए काला दिन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 4th समन जारी, 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। समन पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश है, 18 जनवरी से 3 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे केजरीवाल।
ईडी पर बरसे गोपाल राय, कहा बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है ईडी। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का आरोप, सवाल जवाब से डरकर जांच से भाग रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिया सुझाव, कहा उन्हें पेश होकर अपनी बात रखनी चाहिए। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर भेजा समन, 16 से 20 जनवरी के बीच पेश होने का आदेश। राजस्थान में ईडी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, टीचर्स सेकेंड ग्रेड परीक्षा में घोटाले का मामला। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम, 15 जनवरी को सेना दिवस से पहले सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में सीएम योगी ने की वर्चुअल मीटिंग, ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा गोरखपुर को दिमागी बुखार मुक्त बनाया, माफिया राज को खत्म किया। गोरखपुर में बोले योगी, महिला सशक्तिकरण के बिना देश समर्थ नहीं बन सकता। बिहार में 96,000 से ज्यादा शिक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र, पहले चरण में 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। 51% महिलाएं बनी शिक्षक, आधी आबादी को प्रोत्साहित कर रही है सरकार, नीतीश कुमार का बयान। डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, बिहार में 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा करेंगे, दूसरे राज्यों को हमसे सीखने की जरूरत। पटना में टीचर नियुक्ति को लेकर लगाए गए पोस्टर, लिखा रोजगार मतलब नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा पुरानी सरकार ने यहां ग्रामीणों को लूटा, उसे ठीक करने आया। असम की जनता को सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की दो टूक, जनसंख्या नियंत्रण कानून मानने वालों को ही कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा। देश में कई जगहों पर धूमधाम से मना लोहड़ी का त्यौहार, झूमते गाते दिखे लोग। गाजियाबाद में 2 जगह पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों एनकाउंटर में 4 बदमाश घायल। लखनऊ में टीचर भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, भर्ती नियमों को लेकर जताया विरोध। लखनऊ में एक शख्स ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, पारिवारिक विवाद में 11 सेकंड में 19 बार चाकू से हमला। बंगाल के पुरुलिया में साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया, टीएमसी के लोगों पर पिटाई करने का आरोप। साधुओं की पिटाई के 12 आरोपी गिरफ्तार, एक साधु ने कहा महिला ने रोकी थी गाड़ी, बाद में लोगों ने पिटाई की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना लगाया, कहा ममता राज में शाहजहां शेख जैसे आतंकियों को है संरक्षण, साधुओं की पिटाई हो रही है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार का बयान, ममता राज में बंगाल में हिंदू होना अपराध। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा बंगाल में चरम पर है अराजकता। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बदतर, टीएमसी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा। बंगाल की मंत्री शशि पांजा का पलटवार, बीजेपी बलात्कारियों का समर्थन करती है, ममता बनर्जी न्याय के लिए काम कर रही है। पुरुलिया में साधुओं पर हमले को लेकर संत समाज नाराज, स्वामी चक्रपाणी की मांग, ममता सरकार को बर्खास्त करे केंद्र सरकार। बंगाल में साधुओं की पिटाई पर बोले वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन, टीएमसी के गुंडों ने किया हमला, ममता ने बनाया हिंदू विरोधी माहौल। हरियाणा के टोहना में 11 दिन बाद मिला मॉडल का शव, आरोपी बलराज गिल कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डोंबिवली में शॉर्ट सर्किट से एक इमारत में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के कांदिवली में एक अस्पताल से बच्चा चोरी की वारदात, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। भुवनेश्वर में विजिलेंस विभाग की कार्रवाई, तालचेर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, 24 लाख से ज्यादा कैश बरामद। तेलंगाना में जोगुलांबा गढ़वाल के ट्रैवल बस में आग लगी, एक शख्स ने गवाई जान। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जवान शहीद, ऑपरेशनल टास्क में गनर गुरप्रीत सिंह की शहादत। एलजी मनोज सिन्हा से मिले व्हाइट नाइट कोर के जीओसी नवीन सचदेवा, सुरक्षा के ताजा हालात पर जानकारी दी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कड़ाके की ठंड के बीच जवानों की कदमताल। मुंबई से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के कारण उतरी फ्लाइट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई ताजा बर्फबारी, तुलेल क्षेत्र में चारों तरफ दिखी बर्फ। क्रिकेटर युवराज सिंह का बयान, आने वाले कुछ सालों में निभाऊंगा मेंटोर की भूमिका। ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाने का युवराज सिंह को मलाल, कहा मेरे दौर में टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल था। एशिया कप की ओपनिंग मैच में इंडियन फुटबॉल टीम की हार, 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने मात दी। मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन 2024, सात्विक साइरा और चिराग शेट्टी ने फाइनल में जगह बनाई। और ओडिशा के देवघर में धर्मेंद्र प्रधान ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, केंद्रीय मंत्री ने स्कूली बच्चों को बांटी फुटबॉल।